स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक रहेगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सिलेंडर। एक सिलेंडर के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है, बट कुछ बुक्स में दे रखा है, कुछ बुक्स में नहीं दे रखा। अकॉर्डिंग टू सीबीएसई इट इज़ नॉट इन योर सिलेबस, या आपके सिलेबस में नहीं है। तो लेट, यहाँ पर हम पहले लेते हैं, लेट द सिलेंडर इज होलो। सिलेंडर इज होलो, हमारा होलो सिलेंडर है। होलो सिलेंडर है ये, इस तरह से होलो सिलेंडर है, और इस सिलेंडर के अंदर से करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है। तो इस सिलेंडर के अंदर से तो करंट जाएगा नहीं, जितना भी करंट जाएगा वो इस सिलेंडर के आउटर सरफेस के ऊपर से फ्लो होगा। कितना करंट जा रहा है, आई करंट जा रहा है, ठीक है। तो इसमें तीन स्टेप बनेंगे, पहले इनसाइड, दूसरा ऑन द सरफेस कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, और थर्ड हमारा रहेगा इनसाइड द सिलेंडर, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं आउटसाइड।